आता था छुट्टी के टाइम, तो मुझे होता था क्यों बैठ क्यों दे रहे हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगी। बहुत अच्छी थी ज़िंदगी, ने बहुत कुछ सिखाया है। मैं टॉप 20 में आई, मैं जीती नहीं, लेकिन टॉप 20 में आना मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे मामा, मेरे परिवार वाले, मेरे गांव वाले सब इतना प्राउड फील कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर तुम में से किसी के सपने हैं तो उसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करो, क्योंकि कुछ इम्पॉसिबल तो है नहीं। अगर आज तुम ठान लेते हो कि मुझे IAS बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे मूवीज में आना है, तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप में से कोई अगर मुझसे कुछ पूछना चाहता हो या किसी के मन में कोई सवाल हो, तो प्लीज अपना हाथ ऊपर कर लीजिए। ओके, जैसे आपको कंफ्यूजन है कि मैं क्या बनूं, तो जब मैं छोटी थी तब मुझे टीचर बनना था, मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मुझे पायलट बनना था, फिर मैं और बड़ी हुई तो मुझे आर्किटेक्ट बनना था, और फिर मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी, फिर मैंने MBA करी, और आज मैं मिस इंडिया हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी इसी वक्त आपको पता होना चाहिए आपको क्या बनना है, पर अपने आँख और कान खुले रखो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आप कहाँ जा सकते हो। अपने आपको रोको मत, आप पढ़ो, पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने इतनी पढ़ाई करी और मैं कहती हूँ कि मेरी पढ़ाई मेरे को हर जगह काम आती है। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि कल को अगर कुछ भी हो, मैं फिल्मों में ना चलूँ, लेकिन मैंने अपनी एजुकेशन पूरी करी है, तो मैं कहीं ना कहीं सेट हो जाऊँ। तो बस मुझे उस पढ़ाई के बलबूते पर मैं अपने आप को कुछ दे, तो एक दिन आपको भी पता लग जाएगा आपको क्या करना है। तो इतनी टेंशन मत लो, इन्जॉय करो। तो मुझे ऐसा लगता था मैं किसी लायक नहीं हूँ। मैंने मिस इंडिया में 2019 में पार्टिसिपेट करा, आई फेल्ड, पर मैंने उस फेलियर से सीखा कि मेरे में क्या कमी है। मैं अगले साल और मेहनत के साथ गई और 2020 में मैं जीत कर आई। तो आप फेलियर को फेलियर नहीं लेसन की तरह लो कि आप क्या सीख सकते हो, और फिर गो विद अ बैंग कि अगली बार तो मैं लेकर ही आऊँगी।